बलांगीर जिला आगलपुर ब्लक अंतर्गत बाबूफासड़ ग्रामे नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर निर्माण आगामी दिन में प्रतिष्ठा उत्सव पालन पर ग्राम एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित अतिथि सम्मानित अतिथि एक आलोचना सहित आय व्यय एक बरणी लिखा जा प्रतिष्ठा उत्सव में आगामी चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी 3 एप्रिल 2025 रु 7 एप्रिल 2025 पांच दिन पर्यंत तीन मास वर्ष धार्य करा जायछि। ई प्रतिष्ठा उत्सव पई उत्साह उद्दीपना लोकंक मध्यरे रहिछि। एथिरे कलश यात्रा, अग्नि स्थापन, नामयज्ञ, जगन्नाथ महाप्रभुंक अभिषेक, मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति विभिन्न कार्यक्रम करा जिवो बोली कमिटी सूत्र प्रकाश। ग्रामवासी कमिटी सहयोग करिबा सहित स्वतंत्र भावे ग्रामर प्रदीप सिंह, सरोज साहू, निमाई चरण भोई, जलंधर खमारी, प्रशांत खमारी, रमेश खमारी, लादु खमारी, मनोज सिंह, उषद खमारी, डाक्टर बाग प्रमुख सहयोग करिबे बोली कमिटी सूत्र प्रकाश। मैं लादु खमारी, एक्सपीएस नंबर बाबूफासल जीपी, आउ वर्तमान जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कमिटी जन सक्रिय मेम्बर। इटा आम प्रस्तुति बैठक चली केन्दा करी यात्रा आम भल भाव करमु जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा से लगे आम बैच आम आम डेट अलरेडी फाइनाल हो गला। एप्रिल 3 तारीख आम आरंभ हाँ 7 तारीख आम प्रोग्राम बाबद आम बर्तमान प्रस्तुति नहीं करवा चल कि प्रोग्रामा कर एवं विभिन्न प्रकार मीना बजार आउ पारायण फारायण सब कंडक्ट कला आम आम प्रोग्राम से डेट फाइनाल। मोर नाँ सूरज कुमार साहू और मो फसल पंचायत नायक सरपंच। आज तो प्रस्तुति बैठक चलता आम गाँववासी बसी दिन आज प्रस्तुति है आम गोटे कार्यक्रम 3/4/2025 रु कलश जात्रा आरंभ होगा आउ दीर्घ 7 दिन धरी जात्रा आरंभ होगा जात्रा हवा आउ आम पंचायतवासी सबको आम पंचायतवासी सब जात्रा करमु आउ आखपाख पंचायत समस्त को अनुरोध कर आसवार लगे आम सारा प्रस्ताव कर। हाँ मंदिर आमटा हाँ 3/4/2025 रे स्टार्ट हाँ सहयोग अच्छे आम पंचायतवासी सब सहयोग आम करूँ मगुच आम अंचलवासी संपूर्ण रे सहयोग मगुच चलीचे मुझे दायित्व देचे के हिसाब से आम जत्राटा हो पार्बा प्राण प्रतिष्ठा हो पार्बा से मुझे अर्पण करामवासी मानक मुई समस्त देखते आम मुकेश महालिंग आसबे स्वास्थ्य मंत्री पाखे भेट पड़वार अच्छे जेनाकि प्राण प्रतिष्ठा हबार लगी ठाकुर अर्पण कर दायित्व देवा लगे आम चाहू 2025 गुरुवार दिन आम से प्राण प्रतिष्ठा आम पंचायत जेन आम अच्छे पांचटा धरिकी आम काम आगे बढ़ा। आगलपुर देवानंद पटेल को रिपोर्ट, रुमानी टीवी।